तजावुजात माफिया की शामत, दीवारें गिराएंगे बुलडोजर, ट्रैक्टर उठाएंगे मलबा। शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज, लिटन रोड और जोहर टाउन में ऑपरेशन की तैयारियां। हरबंसपुरा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, कब्जा माफिया को दी गई डेडलाइन में एक रोज रह गया। जरिए इंतजामिया का कच्ची आबादी में घर ना गिराने का फैसला, ऑपरेशन केनाल के अलावा किसी आबादी में नहीं होगा, जिला इंतजामिया की यकीन दहानी। पंजाब असेंबली का पहला वर्किंग इजलास 11 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। चार रोजा इजलास का शेड्यूल भी जारी। चौदह अक्टूबर को सजेगा जिमनी इलेक्शन का मैदान, इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। रिटर्निंग अफसरान ने सूबाई असेंबली की दो नशिस्तों के जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग की हतमी स्कीम जारी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नौ मुंतखब सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला ने इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। अब्दुल अलीम खान, मियां महमूद रशीद और शुएब सदीकी भी मौजूद। अरबों रुपए के मुफ्त मशवरे कौम को महंगे पड़ गए। साफ पानी कंपनीज में जर्मन कंपनी को कंसल्टेंसी की मद में अरबों रुपए की अदायगी। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर को बुला लिया। एफिड्रिन केस, मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए हनीफ अब्बासी कैंप जेल मुंतकिल। अडियाला जेल में तस्वीर लीक होने पर हनीफ अब्बासी को अटक जेल भेजा गया था। और टायरो सिरप से हलाकतों का मामला, सेशन कोर्ट में दो मुलजिमान पेश। गवाहों के पेश ना होने पर अदालत ने तमाम गवाहान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया।